नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम लोग हैं ग्राम पंचायत राज पश्चिमी मधुबनी के पंचभिड़ुआ के वार्ड नंबर 8 में, जहां पे आग के लगने से लगभग 2 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें एक महिला हैं जो विवाहित महिला हैं, उनका उम्र लगभग 25 से 26 साल बताया जा रहा है, और एक लड़की है जो अविवाहित है, जिनका उम्र लगभग 13 से 14 साल बताया जा रहा है। इस आग लगी के कारण लगभग ये एक महिला यहाँ पे है जो आग खाना बना रही थी गैस सिलेंडर से, उसमें अचानक से आग लग जाने के कारण इनकी एक पूरा घर जो है वो बर्बाद हो चुका है, पूरा घर जल चुका है। उसके साथ जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे पिछले वीडियो में कि इनका लगभग 50,000 रुपये का जल गया है, और 15 थान गहना, जो जैसा कि यहाँ पे एक महिला है उन्होंने बताया कि 15 थान गहना भी जला है उस आग लगी के कारण। इसके साथ साथ 5 क्विंटल चावल, गेहूँ, मकई, इस तरह का धान का नुकसान यहाँ के ग्रामीणों को हुआ है। यहाँ पे 2 लोगों का घर है, दोनों भाई हैं, ओम प्रकाश पंडित और प्रमोद पंडित, जिनके घर में ये हादसा हुआ है। आइए, हम यहाँ के एक नागरिक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि यह घटना कब हुआ और कैसे हुआ। ये घटना के बारे में क्या जानते हैं आप, इस घटना के बारे में कब आग लगी है? 2 बजे खाने लगी है। किस तरह से आग लगा और क्या क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। सब तो भले बतला रहे हैं, इतने मकई चावल गेहूँ जान हुआ है, तो कौन कौन बतला रहे हैं, वही गहना भी, वही सब चीज नुकसान हुआ है। हाँ, गहना भी नुकसान हुआ है, सब तो ठीक है बतला रहे हैं। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।